सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार बहुत दिनों से मैं Realme XT के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि गूगल कैमरा के लिए Realme XT के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी तक कोई भी इतना अच्छा स्टेबल गूगल कैमरा Realme XT के लिए नहीं आ पाया है जो कि बहुत ही अच्छा हो। लेकिन एक यहाँ पे गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि गूगल कैमरा 7 जो कि अभी रिसेंटली लीक हुआ था वो फाइनली आपके Realme XT के लिए आ गया है और वो Realme XT में बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके सारे फंक्शन आपको यहाँ पे वर्क करते हुए इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे ये देखने को मिलता है। देख सकते हो ये है गूगल कैमरा 7। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आया तो, नीचे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास है Realme XT, इसके अंदर मैंने गूगल कैमरा 7 का लेटेस्ट वाला वर्जन डाल रखा है। यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हो गूगल कैमरा 7 के अंदर, आपको सब चीज़ अब नीचे के टॉगल में देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पर रहती है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स के चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नया सेटिंग जो कि गूगल कैमरा 7 का एकदम नया लुक आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब चीज़ इसके अंदर वर्क करता हुआ मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा स्लो लैगी टाइप का आपको लगेगा, लेकिन यार गूगल कैमरा जो 6.3 वर्जन है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। उसमें तो पिक्चर्स ही सही से नहीं आती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे और भी वेट करना होगा आई थिंक कि और भी अच्छा गूगल कैमरा आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जो गूगल कैमरा 7 है ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड के भी पिक्स आप यहाँ पे ले सकते हो, नाइट साइड भी आपको इसके अंदर वर्क करता हुआ मिल जाता है। यहाँ पर सब चीज़ आपको इसके अंदर वर्क करते हुए मिलती है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इसका इंप्रेशन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखा दूँ वीडियो मोड, तो वीडियो मोड भी आपको इसके अंदर वर्क करता हुआ मिलता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इजीली यहां पे कर सकते हो, तो ये भी एक काफी अच्छा आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। यहीं पे आपको और भी ऑप्शन दिखा दूं, मोर में तो देखोगे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लेंस पैरानोमा, फोटो स्पेयर मोड भी मिल जाता है। यहाँ पे स्लो मोशन मोड है, थोड़ा सा यहाँ पे लैग होता है कैमरा, लेकिन वर्क करता हुआ आपको मिलता है। स्लो मोशन में थोड़ा सा लैग होता है, बाकी सारे फंक्शन आपको इसके अंदर काफी अच्छे से वर्क करते हुए मिलते हैं जो जो मेन फंक्शन आपको यहाँ पे चाहिए रहते हैं। यहाँ पे आपको इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे सेटिंग में चल के आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, आप यहाँ पे सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे देख लो HDR प्लस क्वालिटीज हाई और मोर देन 16 फ्रेम में, और सेचुरेशन मीडियम वगैरह में आपको पिक्सल AWD ऑन रखना है। यहाँ पे वीडियो रेवोल्यूशन 1080p ही देखने को मिलता है, 4K अभी आपको यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड का भी यहाँ पे ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी वो सही से वर्क नहीं कर रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबल में देखूँ नाइट साइड में रखता हूँ और अभी भी आपको होल्ड स्टिल दिखा रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे वर्क नहीं करता है मेरे ख्याल से, लेकिन नाइट साइड में जब आप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड और ना टाइमर चलता है, लेकिन जब आप इसको ट्राईपॉड में एकदम अच्छे से लगा के रखोगे आप देख सकते हो कोई भी हिलाओगे नहीं, तो ये काफ़ी स्लो पिक्चर लेता है, मतलब एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड में ये चला जाता है लेकिन शो नहीं करता है मेरे हिसाब से। और अगर आप सिंपल ऐसे ही नाइट मोड में लोगे तो अभी आपने देखा था काफ़ी फास्ट यहाँ पे पिक क्लिक हो जाती है। तो आई थिंक ये एस्ट्रो फोटोग्राफी ही मोड है, लेकिन इसमें आपको टाइमर नहीं देखने को मिल रहा है। देख सकते हो वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आपके लिए एस्ट्रो फोटोग्राफ यहाँ पे निकालेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि Realme XT में यार गूगल कैमरा 7 वर्क कर रहा है, काफ़ी स्टेबल है गूगल कैमरा के पुराने किसी वर्जन से, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आपको वर्क करता हुआ मिलता है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे देखो पिक वगैरह भी आ गई है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे मैं पिक क्लिक करके दिखाऊं नाइट साइड में, तो देखो कितनी जल्दी अब नाइट साइड में हो गई। जब एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड रहता है तो उसमें स्लो होती है, तो वो चीज़ आपको अलग से देखने को मिलती है। देखो काफ़ी स्मूथली और काफ़ी फास्ट यहाँ पे पिक क्लिक हो जाती है। एक मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में एक क्लिक करता हूँ,
देखते हैं पोर्ट्रेट मोड में कितना अच्छा यहाँ पे डिटेक्शन करता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और किस चीज़ को यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है ये भी देखने की बात होगी, करता भी है कि नहीं। तो देख लो, मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाया है मेरे फेस को यहाँ पे, लेकिन आप पिक्चर की क्वालिटी देख सकते हो कितनी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिलती है, और बहुत सारे जी कैम में स्मूथनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हटाया है और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो यार कैमरा टू एपीआई आपको ऑलरेडी अनेबल मिलता ही मिलता है फ़ोन के अंदर, तो सिंपल आपको मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर ओपन करना है, डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है, सेव करते ही इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जो जो मैंने सेटिंग्स वगैरह आपको दिखाई है वो सब आपको सिमिलर रखनी है, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो और अपना एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे गूगल कैमरा 7 को अपने रियल मी XT के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मिलता हूँ आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो एक और फोटो, बाय बाय, टेक केयर।